अमेठी में हुए चौरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार से रायबरेली के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने मिलकर उन्हें सद्भावना दी। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए सीएम योगी ने जो भी वादे किए उसे जल्द पूरा किया जाएगा, ऐसा आश्वासन पीड़ित परिवार को उनके द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को SC ST को मिलने वाले 33 लाख के साथ ही 5 लाख रुपए विवेकाधीन कोष से दिए जा चुके हैं। उसी का चेक लेकर स्थानीय विधायक मनोज पांडे के साथ प्रभारी मंत्री पहुंचे और परिजनों को वो चेक सौंप दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने आवास, जमीन का पट्टा समेत अन्य जो वादे किए हैं उन्हें जल्द ही पूरा करा दिया जाएगा। देखिए, अमेठी जनपद में जो घटना हुई थी उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें जो सहायता प्रदान की जानी थी पीड़ित परिवार को, उसके संबंध में हम लोगों को त्वरित रूप से निर्देशित किया गया था। आज हम लोग यहाँ पर हैं और इसमें पीड़ित परिवार को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो पट्टा आवंटन है 5 बीघा भूमि हेतु पट्टा आवंटन किया गया है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत किया गया है। 5 लाख की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष के अंतर्गत स्वीकृत की गई है और जो SC ST अट्रोसिटीज़ के संबंध में प्रकरण होते हैं उनमें जो आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है उसमें 33 लाख रुपये की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत की गई है। ये सभी कार्य बिल्कुल ही त्वरित गति से कर लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसको कम्प्लीट कर दिया गया। आज पीड़ित परिवार के घर आए हैं, चार हत्याएँ हुई थी और आज आप आए हैं। फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से था, मुख्यमंत्री जी ने मदद भी की है, आखिर परिवार ने क्या कहा आज? देखिए, बड़ी दुखद घटना घटी थी और मनोज जी ने कल मुख्यमंत्री जी से पूरे पीड़ित परिवार की भेंट भी कराई थी। मुख्यमंत्री जी ने जो घटना में दोषी थे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है और पीड़ित परिवार की मदद के लिए उन्होंने 5 बीघे लगभग भूमि का पट्टा और 33 लाख रुपए दलित अधिनियम के तहत जो पीड़ित परिवार को मिलता है उसकी स्वीकृति हुई है। 5 लाख रुपए विवेकाधीन कोष से मिला है और इस तरह से एक मुख्यमंत्री आवास की जो योजना सरकार चला रही है वो आवास भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड, अंत्योदय का कार्ड और भी जो सुविधाएँ सरकार की हैं वो सारी की सारी सुविधाएँ पीड़ित परिवार को दी गई हैं। सरकार और माननीय योगी जी हमारी पूरी संवेदनशील सरकार है, पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। वही रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने ब्लाइंड लूट का खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को लूट के माल के साथ अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मामला गदागंज थाना क्षेत्र का था जहां 30 सितंबर 2024 को पशु आहार को व्यापारी के गोदाम को उतारने के बाद उनसे मिले 4,17,000 रुपए माल लादने के लिए जा रहा था। तभी पुलिस ने ट्रक को बाइक सवार 3 बदमाशों को ओवरटेक करने के बाद रोक लिया। वहीं पुलिस ने असले के नोक पर ड्राइवर को ट्रक से उतारने के बाद बदमाशों ने ट्रक को पुलिस के कब्जे में दे दिया। लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद बदमाशों ने ट्रक में रखे 4,70,000 रुपए निकालकर ट्रक को सड़क किनारे खड़ा करके वहां से फरार हो गए। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर लूट की घटना के खुलासे के लिए SOG की टीम गठित की गई। पुलिस ने ब्लाइंड लूट का खुलासा करते हुए 3 लुटेरे से जो है वो 2,500,000 रुपए बरामद करने के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 2 जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जारी है। दिनांक 23 सितंबर को थाना क्षेत्र गदागंज में एक लूट की सूचना मिली कि एक ट्रक वाले को 4,70,000 रुपए लूट करके ट्रक सहित लेकर के भागे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर उनको बरामद किया और इस संबंध में जो है मुकदमा अपराध संख्या 203/24 और अंतर्गत धारा 309 BNS जो पूर्व में लूट की धारा हुआ करती थी 392 उसमें अभियोग पंजीकृत किया। घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी डलमऊ एवं SOG के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और ये पूरी यहाँ से लेकर के प्रतापगढ़ प्रयागराज तक चूँकि इसको खंगाला गया, CCTV फुटेज एवं अन्य जो हमारे तकनीकी उपकरण उसके माध्यम से अपराधियों की तलाश की गई तो 3 अपराधी प्रकाश में आए, शौकीन, दिलशाद और इरशाद। इसमें से इरशाद और शौकीन प्रतापगढ़ का रहने वाला है जबकि दिलशाद प्रयागराज का रहने वाला है।
घटना इस प्रकार से है कि जो वादी था, वादी डलमौ से पशु आहार लेकर करके ये प्रयागराज में उसको डिलोड कराया और वहाँ से 3 लाख रुपए नगद उसके पैसे लेकर आ रहा था और पूर्व में बकाया राशि को भी एक व्यापारी से 1,70,000 रुपये लेकर के आ रहा था और रात में प्रतापगढ़ के ही बागराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो उसका आवास था वहाँ रुक गया। रुकने के बाद वहीं से वो उसका जो है पीछा करना शुरू कर दिया था। खबर गोरखपुर से है जहां गोविंदपुर टिकरिया गांव के तालाब में 27 सितंबर से मगरमच्छ ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा किए हुए था। आज वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। वहीं आपको बता दें कि तालाब में 27 सितंबर को राप्ती नदी से लगभग 8 फीट का मगरमच्छ चलाया था जिसे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा देखा गया था, लेकिन बच्चों के परिजनों को विश्वास नहीं हो सका। जब परिजनों ने मगरमच्छ को खुद देखा तब ग्राम सुजीत सिंह तालाब के चारों तरफ गांव के नागरिकों को मगरमच्छ के निगरानी के लिए लगा दिया गया और वन विभाग के अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। फिर जाकर मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने वहां निगरानी करना स्टार्ट कर दिया और कर्मचारी प्रतिदिन मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तालाब में अत्यधिक पानी होने के कारण मगरमच्छ को पकड़ा नहीं जा सका। इसके बाद जो है तालाब में से पानी जो है वो निकाला गया, उसके बाद वन विभाग की टीम को आज सफलता प्राप्त हुई है जो 8 फीट के मगरमच्छ को पकड़कर बाहर निकाल दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में राहत की सांस आई है। उसके बाद जब शुरू से की वैसी में जलकुंडी निकाला गया, मशीन लगा के पानी निकाला गया इसका, उसके बाद वन विभाग रेस्क्यू करके लेके जा रही है। आज कितनी देर मशक्कत करनी पड़ी वन विभाग? आज सुबह से पानी निकाला जा रहा है, सुबह से पानी निकलने के बाद वो भी 3-4 घंटा हो गया। आप यहाँ आए तो देख ही रहे हैं 4 घंटे से कितना उसको निकाला गया। अब मान लीजिए पुलिस यूपीपी भी आई है और उसके बाद फॉरेस्ट विभाग भी आए हैं, उनके भी फोर्स आए हैं, जो पकड़ने वाले थे ये लोग कुल मिला के 10-20 लोग तो थे। मतलब काफी मशक्कत के बाद पकड़ने आए हैं। राहत? राहत तो बहुत राहत, कम से कम 9 दिन से जो जाग रहे हैं हम लोग, वो अब तो चैन की नींद सोएंगे ना। जगह बताइए नाम। वही पटना के इस्कॉन मंदिर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मंदिर में बाल ब्रह्मचारियों के 2 गुट भिड़ गए। भागलपुर इस्कॉन मंदिर से पटना के इस्कॉन मंदिर पहुंचे दूसरे गुट ने पटना इस्कॉन मंदिर प्रशासन पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि बाल ब्रह्मचारियों ने मंदिर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर प्रेसिडेंट की जानकारी में मंदिर में कोई अनैतिक काम कराए जा रहे हैं। आरोप में कहा गया है कि बिना बात के ब्रह्मचारियों को पीटा जाता है, उनको प्रसाद भी नहीं दिया जाता। वहीं उनकी शिकायत थी कि जब मंदिर की आड़ में हो रहे अनैतिक कार्यों की शिकायत उन्होंने ऊपर तक पहुंचाने की बात कही तो मंदिर के लोगों ने मीटिंग करने के लिए उनको बहकावा देकर पटना बुलाया। इसके साथ ही उनके मुस्टंडों ने इस्कॉन मंदिर के जो संत थे उनके साथ जोरदारी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस्कॉन टेम्पल है, टेम्पल के पास में जो वहाँ पर साधु रहते हैं, जो भी बाल योगी है या फिर जो उनके मंदिर पर प्रशासक हैं जिनके नियंत्रण मंदिर चल रहा है, तो इन लोगों के बीच में आपस में कुछ प्रशासनिक दृष्टिकोण से या अन्य कई मामले हैं, जिस कारण से इन लोगों का आपस में मतभेद होने के कारण से झगड़ाझनित हो गया और झगड़ाझनित होने के कारण से मारपीट भी हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। आज कोतवाली थाना में उन लोग उपस्थित हुए, इनका हम लोगों ने स्टेटमेंट भी लिया है। कई तरह के आरोप ये लोग लगा रहे हैं, हम लोग इस पर गंभीर रूप से जांच करेंगे, जो कि डिटेल्स बातें जो भी आएगी साक्ष्य के रूप में उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। फिलहाल अभी मंदिर को भी हम लोग विजिट कर लेते हैं और साक्ष्य के आधार पर जो भी चीजें आएगी उसको देख रहे हैं। जो उनकी भी इससे इंजुरी हुई है, इंजुरी का भी हम लोग ने मेडिकल जो भी अस्पताल है वहाँ पर हम लोग भेजा है लोगों को, ताकि उनका मेडिकल भी हो पाए। बाकी स्थिति सामान्य है और बाकी जो भी डिसिप्लिन हुई है मंदिर में किस कारण से हुई है इसके डिटेल अनुसंधान की और आवश्यकता है। निश्चित रूप से मंदिर चूंकि सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक जगह पर इस तरह के बातें यदि कुछ होती है और इसके डिसिप्लिन पर यदि कोई बातें आएगी तो उस पर एक ठोस कार्रवाई की अपेक्षा होगी हम लोग। एक तरफ जहां पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार नशा तस्कर और नशेड़ियों पर काबू पाने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ रामपुरा फूल में पीआरटीसी की बस जो भटिंडा से चंडीगढ़ जा रही थी उसको मोटरसाइकिल पर सवार कथित नशेड़ियों ने साइड न देने के कारण बस ड्राइवर पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। उसको गंभीर रूप से घायल को जो है सरकारी हॉस्पिटल में
दाखिल करवाया गया। इसके बाद लोगों ने और पीआरटीसी बस कर्मचारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हमला करने वाला एक व्यक्ति को जो है वो लोगों के द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ऐसे में आम लोग और सरकारी बस कर्मचारी सड़क पर जाम लगाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि कानून का राज पंजाब में है या नहीं। मसला जी अपने बस आ रही थी पीआरटीसी बठिंडे तो अंबाला कंट जा रही थी गड्डी रास्ते जो पुल चढ़ते हैं उतो की माड़ा मोटा जाम जूम लग गया होना गा इन क्या होना मुंडे भी साइड दे दे कहीं साइड कुछ दे बजे इन्नी ट्रैफिक जाम लग्या हो बस वो गल नहीं बात नहीं कुछ नहीं होया जो आके टी पैड से गड्डी रुकी सवारियों वास्ते तो इन्होंने टाकी खोल के ड्राइवर से सीधा कंडक्टर ही मारिया सिर दे सिर पाट ला जी नशेड़ी सी कौन सी मुंडे उत्तर पता नहीं कितों के सी जी उन्होंने खापे खुपे से जी गनासी जी उन्होंने खापे खुपे ची फिर पहला तो हाँ एक बच्चे एक मुंडा फड़ा जी लोगों ने शायद लोगों ने फड़ाई शायद वो अगली कार्रवाई इन्हें कार्रवाई होनी चाहिए जी कंट्रोल होना चाहिए जी इन्हें मुलाजिम ने बुला रहे थे जी एस एच ओ फोन किया जी मैं गाला देन लग गए मूहे मोटर हैं ला के मैं ब्रेका मार के गड्डी रोक के मैं भाई गल की हुई है इन्हें मेरा कनेक्टर कहना भी कोई गल तो हुई नहीं कोई गल तो गाला मावा भैन क्ढी गए मुड़के कहते आ जा तू मूहे आ जा मैं इन्नी गल ही नहीं करी मैं रोज ही कम होंगे रेंगे मैं चल अपन कोई चक्कर ही नहीं जो मूहे गया जी जाके ताकी खोल के जी नाल ही थले कित लाई मेरे कपड़े कुपड़े सारे पाट गए जी जो थले कित ले फिर तो जी नहीं गई फिर नहीं पता लगे उन्होंने गड़ासी सी बाबा लम्मी सी मोटरसाइकिल से टंगी हुई सी बंदे मोटरसाइकिल से ही तीन जने तीन चार जने पता नहीं तेने पता नहीं लगे जी मोटरसाइकिल से जो मेरे मूहे मोटरसाइकिल रोके जी उदो तीन जने से उठे आके तो बाबा कट्ठे हो गए सिर है जी सारा जी तीन चार थान कोई कह नक् की हड्डी फ्रैक्चर है जी अपना अंबाले। वही पटना राजधानी के पालीगंज अनुमंडल में नवरात्रि को लेकर करकट बिगहा के गांव में देवी मंदिर में शिव चर्चा के दौरान अचानक करंट दौड़ने लगा। इस घटना में गांव के शिव कुमार की पत्नी सुनीचा देवी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो बच्चे सहित 15 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। ग्रामीण ट्रांसफॉर्म से लाइन काटते तक तब तक काट पाटते जब तक मंदिर में जो भजन कीर्तन कर रहे लोगों में चीख पुकार का माहौल बन गया। ग्रामीणों की माने तो यदि लाइन नहीं काटी जाती तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। बताया जा रहा है कि महिलाएं गांव के बाहर देवी मंदिर में शिव चर्चा कर रही थी। मंदिर में चारों तरफ से लोहे का ग्रिल लगा हुआ था, अचानक ग्रिल में करंट प्रभावित होने लगा। इस बीच एक महिला का हाथ मंदिर के ग्रिल से सट गया और वह चिपक गई। उसको ग्रिल से अलग करने के दौरान महिलाएं एक के बाद एक मंदिर के ग्रिल से चिपकती रहीं। अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। उसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सभी घायल महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। जैसा आप लोग देख ही रहे हैं एक हादसा हो गया है जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं जी। एक की डेथ हो चुकी है जी। दो लोग सीरियस हैं तो वो रेफर हो चुके हैं पीएमसीएच जी। बहुत खराब हादसा है, हम लोग की सारी सहानुभूति है इन सब के साथ और जो भी प्रोसेस होगा। मैडम कैसे हादसा होने की बात है क्या हुआ? जैसा कि बताया जा रहा है एक बच्चा गुल्लर का पेड़ से पत्ता तोड़ रहा था तो वहीं से 11,000 की वाट का वायर जा रहा था उधर से तो उसी को गलती से उसी में टच हो गया। इसको बचाने के चक्कर में ये लोग सब भी हताश हो गए। सरकारी सहायता का क्या कुछ जो भी होगा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। हादसा हुआ कैसे क्या हुआ था? सर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक देवी स्थान है करकट बिगहा में, वहाँ पर लोग चर्चा करने के लिए 10-20 या 30-40 लोग भी महिला वहाँ पर प्रेजेंट हैं। एक बच्चा ने गुल्लर का पेड़ है वहाँ से 11,000 कनेक्शन जो है से निकली है और 11,000 कनेक्शन पहले जो है उसके बाद में ट्रांसफार्मर करंट लगी
बिजली विभाग वाले ने गलती की, और वहाँ पर करंट भी जो लगाए हैं वो भी इनसे भी गलती है, वैसा नहीं लगाना चाहिए ताकि क्षति हो, वहाँ पर किया उस कारण करंट आई। महिला लोग गा रही थी भजन, पूरे वहाँ तहलका मच गई सर, तहलका मचने के कारण जो है से बहुत क्षति आई, जो कि स्पॉट पे एक महिला के डेथ भी हुई है, बाकी लोगों ने बहुत बच्चे के भी जो जी मौत, बच्चे का कंडीशन जो है बहुत बुरी तरह खराब है, मौत नहीं हुई है पूरी तरह खराब है। अच्छा। उनको पीएमसीएच रेफर किया है और चार जना का रेफर एम्स में किया गया। कितने लोग लगभग है? लगभग सर 18 लोग। जी सर, क्या नाम है आपका? नाम मेरा श्री केवल कुमार हुआ सर, घर मेरा करकट। खबर रोहतास जिले के कोचस से है, जहां कोचस नगर वैश्य अध्यक्ष का चुनाव गहमा गहमी के बीच संपन्न हुआ। वहीं आपसी विवाद एवं गुटबाजी के कारण दो अध्यक्ष का चुनाव किया गया है एवं दोनों को अलग अलग संगठन के द्वारा सर्टिफिकेट भी दे दिए गए हैं। एक तरफ अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले उमेश कुमार केसरी उर्फ बघेलू केसरी को नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय वैश्य महासभा के तत्वाधान में सूरज सेठ को भी दूसरी बार नगर अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। वहीं एक पद पर दो दो लोगों का नवनिर्वाचित होने से कोचस में चर्चाओं का विषय जो है वो बना हुआ है। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर कोचस नगर का वैश्य अध्यक्ष किसको माना जाए, दोनों ही नगर वैश्य अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के माध्यम से एक बैठक आयोजित किया गया था, इसमें सर्वसम्मति से उमेश कुमार केसरी उर्फ बघेलू केसरी को पूरी सर्वसम्मति के साथ जो है उनको वैश्य का अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए मैं उनको पूरी तरह से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और इस दशहरे के पर्व पे मैं पूरे नगरवासियों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामना। वहीं रोहतास जिले के गिनहू ब्रह्म स्थान पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर एक द्वितीय मेला लगता है, जहां का नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। इस मेले में लोगों का मानना है कि इंसानों की शक्ल में भूत प्रेत घूमते हैं। यहां पहुंचने वाली महिलाएं और पुरुष अजीब हरकतें करते हुए देखे जाते हैं, कहीं कोई औरत जोर जोर से सिर हिलाती हुई नजर आती है तो कहीं कोई महिला जमीन पर लेटकर प्रेत आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए प्रयास कर रही होती है। इस मेले में पूरे नवरात्रि के दौरान जो है भूत प्रेत का खेल चलता रहता है। यहां आने वाले अधिकांश लोग गरीब और पिछड़े वर्ग के होते हैं, जो अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए यहां पहुंचते हैं। तांत्रिक और ओझा विशेष रूप से महिलाओं को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए विभिन्न प्रपंच रचते हैं। मेले में युवतियों और महिलाओं पर भूतों के सायों को उतारने के लिए उनकी पिटाई भी की जाती है, तांत्रिक उनके बाल खींचते हुए नजर आते हैं। वाली शायर के नाम पर यहां सारा आदमी जुटा है, घिनहू ब्रह्म गोदावीर के नाम पर प्रसिद्ध है, हैं। मगर यहाँ जब आते हैं, हम बड़ा नाम सुनकर यहाँ आए। ये क्या कर रही हैं? ये खिला रही है। अब खिला रही, अब कौन चीज खिला रही है, अब तो बोलेगी तभी ना। इसको भूत पकड़ा है। हाँ, इसका भूत पकड़ा है। इसका भूत पकड़ा है, मगर इसको निदान होगा तब ना कहेंगे कि यहाँ ठीक है। यहाँ तो आया, हमको तो कुछ नहीं व्यवस्था यहाँ मिल रहा है, वही व्यवस्था मिल रहा है जमीन। यहाँ से ठीक हो जाता है? यहाँ आने से देखिए हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई ठीक की संभावना नहीं है। यहाँ आई है जैसे कि कोई के बात सुन कर के वहाँ धाम में अच्छा अच्छा काम होता है, जस मिलता है, मगर यहाँ जस नहीं है। यहाँ जस नहीं, जस तो वही है कि देखिए कौन सा मेला है, घिनहू ब्रह्म का मेला है। क्या नाम है आपका? हमारा राम राजबली राम वाली। भूत भगाया जा रहा है, जिसको प्रेत जोनी कहा जाता है। किसी किसी लोग को प्रेत पकड़ लेता है किसी तरह से, तो उसको ओझा गुनी या देवास जो लगाता है, देवसिया, अपने मंत्र तंत्र से यहाँ के बाबा के इकबाल से उस चीज को हटा करके उस व्यक्ति का देह सुवरण करते हैं, उसका कष्ट का निवारण करते हैं। यही चीज यहाँ हो रहा है। यहाँ पर बहुत पुराना आने की बाबा का आशीर्वाद है, बहुत दिनों से मेला लग रहा है। इस मेले में मैंने तो करीब 40 वर्ष से आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी मेला लग रहा था। जो हमसे बुजुर्ग लोग थे वो बता रहे थे, मैंने भी इसी पीड़ा में पीड़ित होकर इस दरबार में आया था। अच्छा, ये बताइए कि घिनहू बाबा के मेला में आने पर भूत भाग जाते हैं? भूत भागते तो जरूर हैं,
अगर भागते नहीं तो इतना बड़ा मेला होता नहीं। कुछ ओझा गुनी का बोल और कुछ बाबा का बोल अकबाल, और जो भी गुनिया लोग बाबा के स्थान में ब्रह्म हो या पचास हो दे देते हैं या शायर के लाट में मरी वगैरह छोटी जात जो है उसको दे देते हैं, वो शायर कब्जा रखती है। जब तक गुनिया अपने मांग नहीं लेता है फिर तब तक वो कब्जा रखती है। बाबा मेला कब कब लगता है? मेला नौमी और दशहरा में लगता है, इसके बाद सोमवार और शुक्र। भूत भगाया जा रहा है जिसको प्रेत जो नहीं। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।